Thank you.
प्रेमा पुमर
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सिया राममय सब जग जानि करहु प्रणाम जोरी बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश श्री गुरु शरण चरो रज निज मन मुकुर सुरा वरण रघुवर विमल जसुआ जोदार नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे बारमाने प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाशाचदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे रामकथा के अंतिम दिवस में उपस्थित समस्त भगवत कथा अनुराग इस सभा को सुशोभित करने वाले वरिष्ठ गण वैष्णव महानुभाव श्री रामकथा के इस अंतिम दिवस में पुनः आप सबके चरणों में
हमार कोटी कोटी पर। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे इस धर्मपुरा गांव में परम पवित्र महीना कार्तिक महीना में भगवत कथा का आयोजन आपके ही गांव के द्वारा किया गया। कार्तिक मास जो परम पवित्र महीना है जिसमें अनेकों धर्म कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं, ऐसे मास में आपके इस गांव में भगवत कथा का आयोजन किया गया। और परम सौभाग्य की बात है ऐसे ही राम कथा और भगवत कथा हमारे बीच परम वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव हिज ग्रेस श्रीमान धन्वंतरी दास प्रभु जी का आगमन हुआ है। बहुत सुंदर प्रभु जी जब से आए तब से हमारे गुरु महाराज के विषय में जिनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये 18,000 श्लोक का किताब हम लोग लेके घूमते हैं और ये 18,000 श्लोक हमारे गुरु महाराज के साथ घूमते हैं। जब महाराज चलते हैं तो 18,000 श्लोक उनके साथ ऑटोमेटिक चलते हैं। महाराज साक्षात चलता बोलता भागवत श्रीमद् भागवत और ऐसे महाराज के परम करीबी श्रीमान धन्वंतरी दास प्रभु जी का हमारे कथा में आगमन हुआ। हम इनके लिए इनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे इस ग्रेस धन्वंतरी दास प्रभु जी की। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गत सत्र में हमने श्रवण किया भगवान का किस प्रकार से भगवान ने धनुष को तोड़ा और सीता मानव भक्ति स्वरूपा है और भगवान ने भक्ति तब तक प्राप्त नहीं हुई जब तक धनुष नहीं टूटा। हमें भी यदि अपने जीवन में भक्ति करना है वजन करना है तो अपने से अहंकार रूपी धनुष को बहुत सुंदर विवाह हुआ। रामायण में वर्णन है कि किस प्रकार से बारात आई थी, बहुत सुंदर बारात आई थी। रामायण वर्णन है कि किस प्रकार घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे राजा, बड़ी तैयारी की गई थी, चतुरंगनी सेना है, अंग रक्षक है, सभी रथ सभी सजे हुए, लेकिन भगवान रामचंद्र के रथ को सबसे सुंदर सजाया। लेकिन गजब की बात यह है महाराज, ये पहली बारात है जहां पर दुल्हे का रथ खाली जा रहा है, दुल्हा ही नहीं रथ पे। दुल्हा तो पहले पहुंच गए है, पहले ही पहुंच गया दुल्हा। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमित, मेरा जो जन्म है और कर्म है वो दोनों दिव्य। सबसे हाँ आगे हाथों में लंबी लंबी भाले लिए सैनिकों की टोली बड़ा भारी मार्च करते हुए चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे हाथी के ऊपर सवार होकर तलवार को अपने हाथ में लिए, धनुष को अपने हाथ में लिए कुछ सैनिक चले जा रहे थे।
उसके पीछे पीछे घोड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार से आयुधों से लैस होकर बड़े बड़े सेनापति चलते हैं। सेनापति का रथ है, उसके पीछे मागध जन सुत जन जय जयकार करते हुए चलते हैं। उनके पीछे पीछे बड़े बड़े सुंदर वाद्य यंत्र बजाते हुए जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे नर्तकियां नृत्य करते हुए जा रहे हैं। उसके पीछे पीछे बड़े बड़े राजा महाराजा अपने आभूषणों को उनके ऊपर लुटाते हुए चलते हैं। और उसके पीछे सारी व्यवस्था के ऊपर दृष्टि रखते हुए बड़े भारी स्वर्ण अस्त्रों से सुशोभित बड़े विशाल रथ पर महाराज दशरथ बड़ी सुंदर पोशाक पहने हुए विराजमान हैं। उनके दोनों तरफ छोटे रथ उनकी अंग रक्षा के लिए चल रहे हैं। भगवान के बारात के वर्णन में भगवान का बारात कैसे, पीछे धर्म गुरुओं का रथ चल रहा है, रानियों का रथ चल रहा है, सबसे पीछे चंद्राकार सैनिकों की टोली पूरी शोभा यात्रा को पूरी बारात को चारों तरफ से घेर कर सब व्यवस्था से दृढ़ करके पीछे विविध प्रकार के वाद्यों को बजाने के लिए बड़े बड़े कलाकार आए हैं। कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई पखावत बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है। इस बारात के ऊपर विभिन्न प्रकार की पक्षियां उड़ रही हैं। एक तरफ कोयलों की पंक्ति है, एक तरफ मोर की पंक्ति है, एक तरफ कपि की पंक्ति है, एक तरफ सुर की पंक्ति है, एक तरफ सक की पंक्ति है, एक तरफ मयूरों की पंक्ति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान सूर्य के ताप से कहीं महाराज दशरथ के उत्साह में कोई कमी ना आ जाए, तो मानो जैसे कोई पंडाल सड़क पे बांधी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन पक्षियों ने ही पंडाल बांध दिया और बारात के साथ साथ विभिन्न प्रकार की पक्षियां आसमान में उड़ते हुए घोषणा कर रही है, सावधान सावधान सावधान, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र की बारात जा रही है, सावधान। इस बारात के ऊपर ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए चले जा रहे हैं। जब कभी धर्मगुरु शंखों का नाद करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंतरिक्ष भी कांप रहा हो, चारों तरफ गुप्तचर फैले हुए हैं, चारों तरफ दूतियां व्यवस्थित हैं। उस बारात को गुजरने के पहले जिस मार्ग पे जाने वाली है उस मार्ग में पूर्व ही रास्ते के ऊपर जल का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे यस्व और घोड़े हाथी के चलने से उड़ती हुई धूल के कारण किसी रानी का किसी राजा का पोशाक गीला ना हो जाए, पोशाक गंदा ना हो जाए। दोनों तरफ पहले ही गांव में सूचनाएं भेज दिए जाते हैं, अगर किसी गांव में किसी घर में किसी का शरीर छूटा है उसकी उसकी सूचना वादकों को पहले से दी जाती है। जब उस गांव से बारात निकलती है तो तुरंत वादकों को शांत करा दिया जाता है। रास्ते में यदि किसी को खाने की कमी है, कहीं पर चिकित्सालय नहीं है, तो महाराज सबकी देख रेख करते हुए विद्यालय की कमी है, कहीं किसी भी प्रकार की कमी है, महाराज दशरथ द्वारा प्रतिपादित राम जी की बारात में इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारात है, हमारी तरह नहीं। लोग अपनी बैंड बजा लिए और कई लोगों की बैंड भी बजा दिए, हम जा रहे हैं आगे शोभा यात्रा लेके, पीछे एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं, महाराज बैंड बजा रहे हैं हम, वो एम्बुलेंस में उसकी बैंड बज रही है, कोई गर्भवती महिला है, कोई हृदय रोग वाली है, कोई फर्क नहीं, हम तो ऐसे करते हैं। हमें सीखना चाहिए भगवान की इस बात से, किस प्रकार व्यवस्था रखते हुए नियमों का पालन करते बिना अनुशासन भंग किए हुए कैसे सड़कों पर शोभा यात्रा निकाल। महाराज दशरथ के सैनिक चारों तरफ फैले सभी बातों का ध्यान रखते, अच्छा यहाँ सड़क नहीं है, बारात आने से पहले सड़क बना देते महाराज, अच्छा यहाँ विद्यालय नहीं है, बारात आने से पहले विद्यालय बना जाना चाहिए, महाराज दशरथ निरीक्षण करते हुए जाए, ये व्यवस्था है। यहाँ चिकित्सक नहीं है, राजवैद अपने किसी असिस्टेंट को यहाँ नियुक्त करें, महाराज दशरथ निरीक्षण करें। राम की बारात हमारे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वादकों को बुलाया गया है, मनोरंजन की विधिवत व्यवस्था है, बारात को रास्ते में रुकने से पहले ही शिविर बन जाते हैं, शिविर में बारात रुकती है, ऐसे प्रकृति का आनंद लेते हैं, बड़ा सुंदर।
प्रकृति का आनंद लेते हैं। ये बारात जनकपुर की सीमा में पहुंची। तो जनकपुर की सीमा में थोड़ी देर बारात को रुकाया गया। उधर से राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी एक रथ पर सवार होके, बड़े सुंदर रथ पर सवार होके आए। महाराज दशरथ ने जैसे ही देखा कि भगवान रामचंद्र है, नौ के नौ रस हृदय में प्रवाहित होने लगे। नौ के नौ रस। राम ने धनुष तोड़ा, उसका चिंतन करके वीर रस का संचार होता है। राम जी के रूप माधुरियों को देखकर श्रृंगार रस का, रौद्र भयानक सब बड़े सुंदर। दोनों भाई कुमार सजा लगे, बारात जनकपुर पहुंची। बहुत सुंदर स्वागत किया गया, विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह महाराज जनक की कन्याओं के साथ। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान रामचंद्र का विवाह। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, बारह महीनों में मार्ग शीर्ष, उस मार्ग शीर्ष महीनों में भगवान राम का सुंदर बारात रुकी है। रोज बहुत सुंदर नृत्य हो रहे हैं, आनंद हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नृत्य विवाह हो। बारात हम तो एक दिन के लिए रुकते हैं, एक आध घंटे के लिए, बारात एक महीने तक वहीं रुक गया। रोज महाराज दशरथ विदा लेने के लिए सोचते, रोज महाराज जनक उनको अपने प्रेम से मांग। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों युवा महाराज जनक की कन्याओं के साथ। याद रहे, राम का विवाह सीता के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कृति के साथ। इस प्रकार चारों का विवाह। अब राजा जनक विदाई है सीती। महाराज दशरथ डेली चाहते थे कि आज विदा कर दे, आज विदा कर दे। अंत में महाराज जनक को सभी ने समझाया, अब कितने दिन तक रखोगे अपने घर में, और आज वो दिन जब राजा जनक बधाई दे सीते। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रोक लाखी आयुष अनुसरे हो। कितना सुंदर शिक्षा सुनैना ने अपनी बेटी को विदा करते समय शिक्षा देते हुए कहा। बेटा बेटा, यद्यपि तेरा विवाह राम के साथ हो रहा है, लेकिन एक पल के लिए भी मत भूलना कि तुम्हें मात्र राम की सेवा ही नहीं, राम के पूरे परिवार की सेवा करना। एक माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए कितनी सुंदर शिक्षा दे, शुरुआत कहां से करते हैं। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सबसे पहले क्या कहा, सास और ससुर की सेवा करो, पति के बाद में है। आज की मॉडर्न पत्नी क्या कहती है, मेरा विवाह मेरे पति के साथ हुआ, मेरा लेना देना नाता सिर्फ और सिर्फ पति के साथ। ये सास ससुर क्या है, चलो निकालो इसको घर से, या फिर हम ही निकल जाते हैं। लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्रेस के नाम पर मात्र दुर्गति है, प्रोग्रेस नहीं है। जनक दुलारी जनक नारायणी को कहते हैं सास और ससुर की सेवा, पति रुख लाखी आयुष। और बेटा अपने पति की सेवा करना कैसे, पति के रुख को समझ कर। बेटा पति को रुख को समझ कर सेवा करना,
ऐसा नहीं कि पति आज्ञा दे तब कुछ कर ले, पति आज्ञा दे और तब पत्नी कहे वहां करे, वो उत्तम कोटि की पत्नी नहीं। तो उत्तम कोटि की पत्नी किसे कहते हैं भाई? जो पति के मन की बात को, मन के रुख को समझकर उनकी सेवा करे उसे उत्तम कोटि की पत्नी कहते हैं। पति रुख लाखी आयुष अनुसार होए संतत पियहि प्यारी, चिरु यही बात आशीष हमारी। हे सीते जुग जुग जियो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि सदैव अपने पति के प्यारे रहो, अपने सास ससुर का सम्मान करो। बेटा तुम्हारा सुहागा यही हमारा आशीष है। आज की माताएं भी अपने बेटी को यही शिक्षा दे रही है कि ज्यादा सास ससुर से मतलब मत रखो, नहीं तो पति से अलग कर देगी। गलत है, पहले सास ससुर फिर पति। बेटा तुम्हारा सुहागा खंड है यही हमारा आशीष है। जनक जी सीता से मिल करके सीते, मैं तो परम वैराग्यवान हूं। जनक जी परम वैराग्यवान थे, लेकिन सीता को विदा करते समय आज जनक जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। इस संसार में कितना भी पुरुष कठोर हृदय का हो, पत्थर जैसा कठोर हृदय हो, लेकिन जब बेटी को विदा करता है तो कठोर हृदय पिघल जाता है, आंखों में अश्रु की धारा नहीं तो पर्वत राज हिमालय अपनी बेटी पार्वती को विदा करते समय, ये तो साक्षात पर्वत है, लेकिन बेटी को विदा करते समय ये प्रणाम उधर से भी कर सकते ना। पीछे से ही प्रणाम करके बैठ जाएंगे, फिर जाते हो आप मंदिर के पास आके प्रणाम कर रहे। समय कम है, आज अंतिम दिन है और शांति से कथा हुए वही अच्छा है। कृपया बैठ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जनक जी परम विरक्त है, वैराग्य आत्म तत्व में स्थित, लेकिन बेटी को विदा करते समय जनक जी रोने लगे। बेटी करुणा का पात्र, बेटी पराया। जनक जी राम के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहते, राम राम वैसे तो मैं आपसे बड़ा हूं, लेकिन राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। राम राम मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं, तुम तो सारे गुणों के आधार हो, सारे गुण में आज मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंप रहा हूं। आपके घर पर रहते हुए मेरी बेटी से कुछ गलती हो जाए, कुछ अपराध हो जाए, तो मेरे संस्कार की गलती समझ कर मुझे दोष दे देना, लेकिन मेरी बेटी को माफ कर देना। जनक जी आज राम को दशरथ जी को इस प्रकार बता रहे, बेटी को माफ करते समय जनक जी वापस नहीं लौट पा रहे। लोगों ने जनक जी को पकड़ कर रखा। देवी सीता अपनी माँ से कहती, माँ मुझे कोई चिंता नहीं, आपकी कृपा से इतनी सुंदर घर में मेरा विवाह हो रहा है, मैं तो वहां पर राज कर सुख से रहूंगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ
बस आप मेरे बाबा का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से सभी माता पिता के जीवन में ये प्रश्न आता है, पुरुष समय आने पर हंसता हुआ अच्छा लगता है और समय आने पर रोते हुए बेटी को विदा करते समय एक बाप रोते हुए अच्छा लगता है। आज जनकली रोते चारों दंपति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के लेकर बारात लेकर वापिस लौटते। कुछ ही समय के बाद अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या में तीनों माताओं ने अपने अपने बेटों को स्वागत किया, आशीर्वाद किया। ऐसा वर्णन है महात्माओं के मुख से सुने। राम सीता से विवाह करके आए, सबसे पहले अपनी माँ कौशल्या के पास नहीं गए, राम कैकेयी के पास गए। राम कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी भी राम से अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करते थे। राम और सीता कनक भवन कैकेयी के भवन, कैकेयी सोने के भवन में रहते थे जिनका नाम था कनक भवन। आज भी अयोध्या में आप कनक भवन देख सकते हैं। कनक भवन गए, सीता और राम ने कैकेयी को प्रणाम किया और बुद्धिमान व्यक्ति को तो किसी को पहचानने में देर नहीं लगती, एक दृष्टि में ही समझ जाते हैं कि यह कितना संस्कार है। कैकेयी ने देखा कि सीता शालीन मर्यादा में है, सुंदर मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहने, सीता को मर्यादा पूर्ण वस्त्र भाषा आदि देख कर कैकेयी इतना प्रसन्न हुई कि आजकल मुंह दिखाई के रस्म में 1000-2000 या कुछ सोने दिए जाते हैं, लेकिन कैकेयी सीता की मर्यादा को देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि कैकेयी जिस भवन में रहती थी वो पूरा महल सीता को दे दिया। सीता आज से तुम यहां रहोगी, मैं बाहर रहूंगी। ये है देवी सीता शालीन मर्यादा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुन और क्योंकि देवी सीता की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे बहन बच्चियों को थोड़ी सी शिक्षा। आप तो पालन करते ही हैं, फिर भी मेरा कर्तव्य है इसलिए कि जीवन में ऐसे वस्त्र पहने ऐसी मर्यादा में रहे ताकि पापी से पापी व्यक्ति भी हमें देखे तो उनके मुंह से निकले कि अरे ये तो माँ है, अरे ये तो देवी है, ये तो शक्ति है, ये तो साक्षात देवी है। अपने वस्त्रों की आज लोगों के वस्त्र बिगड़े हैं। इस युग में आदमी जितना धनी होते जा रहा है उतने कम वस्त्र पहनते जा रहा है। आजकल धनियों की पहचान यही है, फटे कपड़े पहन लिए, कम कपड़े पहन लिए, सोच लो धनी व्यक्ति है। कितनी मर्यादा हुआ करती थी देवी सीता ने मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहने थे कि एक भी अंग दिख नहीं रहा था। आपके मन में विचार आ सकता है कि कपड़ों से क्या अंतर पड़ता है, देखने वाले की नजरिया सही होना चाहिए। आजकल हमारे कुछ मॉडर्न माता ऐसा तर्क करते हैं कि कपड़े से क्या फर्क पड़ता है, मुझे कपड़ा कुछ भी पहने फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि गर्मी की ऋतु जब आती है, जब गर्मी का महीना आता है और उसमें थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का आंख आ जाता है। आंख आता है ना, आंख आना ही बोलते ना उसको, आंख लाल लाल हो जाता है तो कुछ लोगों को आंख आ जाता है। और ये जो आंख आने वाले व्यक्ति है जिनको आंख आई हुई है, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को जिनको आंख नहीं आई है उनको देखता है तो उनको भी आंख आ जाता है। अब आप विचार कीजिए आंख का क्या प्रभाव है, इनको आंख आया है उनको आंख नहीं आया है, इन्होंने उनको देख दिया तो उनको आंख आ गई। अब आप विचार कीजिए करोड़ों करोड़ों लोग काम वासना की दृष्टि से हमारी बहन बेटियों को देखेंगे तो क्या उनमें काम वासना नहीं आ जाएगी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
अवश्य आए, इसलिए जीवन मिला है तो सारी मर्यादा हो गई। गुरु महाराज अक्सर एक दृष्टांत देते हैं, जैसे मानो आपको कोई बहुत सुंदर गाड़ी दे दे, BMW मर्सिडीज दे दे, जगुआर दे दे, आप चला रहे हो, वो ले जाओ चलाओ, आप चला रहे हो पूरी स्पीड से चला रहे हो, आप जा रहे हो हाईवे पे हो और वो गाड़ी देने वाले व्यक्ति का फोन है, बोले कैसी लगी गाड़ी बताओ जरा, बोले बहुत अच्छी है, स्पीड कैसी है, बोले बहुत अच्छी है 200 की स्पीड से जा रहे हैं, रंग कैसा है, बहुत सुंदर है, सीट कैसी है, बिल्कुल गंदेदार लग्जरियस सीट, टायर कैसी है, बहुत अच्छा टायर है, स्टीयरिंग कैसी है, अरे बहुत सुंदर पावर स्टीयरिंग, और अंत में कहे ठीक है थोड़ा आराम थोड़ा संभाल के चलाना, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो कैसा रहेगा, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी कितना भी अच्छा रंग हो, स्टीयरिंग हो, लेकिन ब्रेक ना हो तो गाड़ी कुछ काम नहीं करती, वैसे कितना भी सुंदर शरीर हो, रंग हो, रूप हो, लेकिन जीवन मर्यादा नहीं तो ये जीवन कुछ काम का नहीं, बिना ब्रेक की गाड़ी है वो जीवन, वैसे बिना ब्रेक का, बिना मर्यादा के मनुष्य जीवन कुछ काम, और वास्तव में देखा जाए ना तो ये मर्यादा ही है जो हमें पशुओं से भिन्न करती है, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, इतना ही अंतर है कि वो मर्यादा में नहीं रहते, पशु मर्यादा में नहीं रहते और मनुष्य मर्यादा में रहते हैं, और कोई अंतर, अर्थात हम मर्यादा में रहना ही नहीं है तो फिर हमें और पशु में अंतर क्या हुआ भाई, वही ले देखे वही देवी सीता की मर्यादा को लेकर कई कई प्रसंग में कनक भवन प्रदान कर, अयोध्या में एक साथ चार चार भवन आए, अवधवासियों का आनंद बढ़ गया, अवधवासी परम प्रसन्न, जब ते राम ब्या ही घर आए सोने की खानों से भर चुके समुद्र रत्नों के भंडार, देवराज इंद्र उस समय कितनी बारिश थी, देव देव बहुत ही
एक समय सब सहित समाज सब लोग खड़े हो और राम को मारने के लिए दौड़े। जब राम के गले में वरमाला आई तो समस्त क्षत्रिय के राजा खड़े हो गए और राम को मारने के लिए, राम को मारने के लिए। जब तक राम के गले में वरमाला नहीं आई थी तब तक किसी राजा को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माला जब आई तब सब लोग राम को मार के, इसे ही कहते हैं संसार। जब तक आप भजन या संसार में कुछ ना करो तब तक आपकी कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जैसे ही आप भजन भक्ति में कुछ प्रोग्रेस करोगे, कुछ प्रगति करोगे, कुछ क्रांति करोगे, हजारों लोग आपको गिराने के लिए। तो ये आजकल का नहीं है, ये आदि अनादि काल से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है।
कई बार कुछ लोग कहते हैं वो हाथ धोकर मुझे पीछे पड़ गया, लेकिन चिंता की बात नहीं, वो पीछे पड़ा है, आप आगे हैं। ये निंदक जो होते हैं, वो ये विरोधी जो होते हैं ना, वो पीछे खड़े रहते हैं, प्रोग्रेस करने वाला आगे बढ़ते रहता है। मुझे जो आप इस प्रसंग से बताना है, क्या बताना है मुझे इस प्रसंग से, आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। भले भले अभी मैंने बोला, इस प्रसंग में बोला कि निंदक बनेंगे लेकिन निंदक पीछे रहेंगे, आप आगे रहेंगे। कथा का सार ही यही है। क्या कथा का सार है? हरिनाम जप करना, बस यही कथा का सार है, और कुछ नहीं। मैं समस्त माताओं से, प्रभु जी से, जितने लोग यहां पे आए हैं, सबों से निवेदन करूंगा कि आप हरिनाम का जप कीजिए। पूरे रामायण का अंतिम श्लोक देखिए, रामायण क्षमा कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप क्षमा, प्रणाम शमनस्तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन, पहले भी हमने सुना, जब देवताओं के द्वारा भगवान को स्तुति की गई तो तार मध्य नाम संकीर्तन श्रेष्ठ। नाम संकीर्तन बड़ा हमें चाहिए कि हम नाम संकीर्तन करें। इतने दिन से ये कथा सुन रहे हैं, इस कथा सुनने का फल क्या है? राम के चरणों प्रीति प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेम उत्पन्न कब होगा? जब हम ऐसे झोली माला लेकर जप करेंगे। और जप करने का कोई नियम नहीं है, कुछ भी कोई भी सिचुएशन में आप कर सकते हैं। आप तो आप बोलेंगे प्रभु जी, लोग बोलने लगते हैं, बड़े 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 तुम साधु बन गए, महात्मा बन गए, ये बन गए, वो बन गए। अरे कुछ भी नहीं है, आपको पता है विभीषण जी राम नाम जप कर रहे। कुछ लोग आए रावण से शिकायत किया, महाराज आपका भाई राम का नाम जप कर रहा है। रावण ने आदेश दिया, तुरंत बुलाया गया विभीषण। विभीषण आए, प्रणाम किए, बैठे, बोले विभीषण ये क्या सुन रहा हूं मैं कि तू राम नाम जप रहा है? नहीं भैया, मैं राम का नाम क्यों जपूंगा, जप रहे हैं राम का नाम। और क्या बोल रहे? नहीं भैया, मैं राम का नाम क्यों जपूंगा, मैं तो नहीं जपता। उनके अनुचर जो थे बोले, महाराज झूठ बोल रहे हैं, जपता है। अरे नहीं महाराज, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों जपूंगा राम का नाम, बताओ आप भला, मैं लंका में रहता हूँ, मैं तो आपका नाम जपता हूँ। बोले क्या जपते हो तुम? बोले महाराज मैं राम 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 जपता हूं। बोले तो राम का नाम है, मेरा नाम कहाँ है? तो महाराज विभीषण बड़े से बोले, भैया मुझे राम से कोई प्रेम नहीं, मुझे तो मेरे भैया और मेरे भाभी बड़े प्यारे लगते, राम और मंदिर बड़े प्यारे, मैं उनसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, और इसलिए भैया मैं आप दोनों का ही तो नाम जपता हूँ। बोले राम नाम जप कर रहे हो और बोल रहे हो हमें बुड़बक बना रहे हो, तुम मूर्ख बना रहे हो, हम उल्लू लग रहे हैं तुमको। बोले महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप तो लंका के राजा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले फिर तुम राम नाम जप कर रहे हो और हमें बोल रहे हो कि आपका नाम जप करते हैं महाराज। बोले महाराज मैं आपका राम नाम जप कर रहा हूं। बोले कैसे? बोले महाराज आपका नाम क्या है? बोले रावण। हमारी भावश्री का नाम क्या है? मंदोदरी। भैया इंद्र न ये सब मैं इतना बोल नहीं पाता, मंदोदरी में द्र आया, र आया, रावण में ड़ा आया, इतना बोल नहीं पाता मैं। तो ये रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी जब बड़ा कष्ट होता है, जीव बड़ी नाचते रहता है, मुंह बनते रहता है, क्या करें क्या करें। तो महाराज मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? बोले महाराज आपके नाम का प्रथम अक्षर क्या है? भाभी के नाम का प्रथम अक्षर क्या है? मां। भैया इसलिए मैं राम नाम जप करता हूं, राम 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 राम। आपके अक्षर का पहला नाम और भाभी के अक्षर का, समझ लीजिए आपके नाम का पहला अक्षर और भाभी के नाम का पहला अक्षर। रावण ने आदेश दिया समस्त अनुजरों को, कल से तुम लोग भी राम नाम जपना शुरू कर दो।
कृष्ण भक्ति बहुत अच्छा, जो राम कृष्ण की भक्ति कुछ भी सॉल्यूशन निकाल लेते कहीं से भी, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं। कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं भक्त के जीवन में, लेकिन सारा सॉल्यूशन है उसके पास, बुद्धि भगवान देते हैं सॉल्यूशन सॉल्व करने का ना। तो समस्त माताओं से मैं आग्रह करता हूँ, प्रभु जी से आग्रह करता हूँ कि नाम लो। और एक बात ध्यान रखो, इससे आपकी दीक्षा नहीं होगी। बहुत बाबा लोग आते हैं, माला दे दिए, दीक्षा करा दिए, फिर बाबा चले गए। हम ऐसे बाबा नहीं है भाई, सर्वप्रथम तो हम बाबा ही नहीं है, हम भी आपके जैसे ही हैं, गृहस्थ हैं, हमारी भी पत्नी है, बेटी है, प्रभु जी की भी बेटी बेटा पत्नी सब, हम कोई साधु सन्यासी नहीं है बहुत बड़े, ना कोई ज्ञानी विद्वान ऋषि मुनि संत नहीं, बस एक साधक है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन को निभाती हुई जो साधना है वो करते हैं। श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और संतों के मुख से भागवतम से रामायण से जो पढ़ते हैं वही लोगों को सुनाते हैं। और दूसरा कुछ नहीं कि फलाने बाबा ने ये कहा था, फलाने साईं ने ये क्या कहा था, फलाने साधु ने वो कहा था, ये नहीं सुना। आप सबों से आग्रह है कि माला लीजिए, ऐसी माला वहाँ भी लगी हुई है, और राम श्याम प्रभु मनमोहन प्रभु दोनों नाम नोट कर रहे हैं, तो आप उनके पास नाम नोट करा सकते हो, और यहाँ आकर मंच पर भी ये माला ले सकते हो। मंच पर लेने का भी बड़ा फायदा है, क्या फायदा है प्रभु जी, ये भागवतम के सामने यदि आप प्रण लेते हो कि प्रभु जी आज से हम लोग चार राउंड्स करेंगे, तो निश्चित भगवान और भागवत दोनों आपको सपोर्ट करेगा उच्चारण उसका, इसलिए लीजिए। और इसको जप कैसे करना है, जप करने का क्या नियम है, सब लोग तो बहुत बता दे होंगे, काम करना ऊन का आसन लेना, एक काम करना रेशम का आसन लेना, ऊंच का आसन लेना, इधर मुंह करके बैठना, टांग ऊपर होनी चाहिए, माथा नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे कंडीशन में हो जो कंडीशन में हो कर सकते हो। संत हरिदास की कथा आप सुन रहे थे, आप तुरंत देख रहे थे संत हरिदास से, संत हरिदास जब बहुत प्रचार कर रहे थे तो एक हिंदू पंडित उनसे बड़ा जल रहे थे, बोले भाई ये मुस्लिम होकर इतना भक्ति कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, क्या करें। वहां के जो काजी थे उनको भेजा कि वो मुस्लिम होकर ऐसा कर रहा है, काजी ने एक वैश्या को भेजा उनके पास, वो वैसे आ गई और हरिदास ठाकुर रात भर नाम जप करते रहे, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते रहे। हरिदास ठाकुर के जीवन में आया है 22 घंटा भक्तों को जप करते थे, 22 hours, आप समझ सकते हो। तो जब वो वैश्या गई और हरिदास ठाकुर को देखते रहे, हरिदास ठाकुर में कोई प्रभाव नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, जैसे मैं कल बोल रहा था नाचो माताओं में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, पीछे साइड इधर प्रभु जी में उधर ही, वैसे कोई रिएक्शन नहीं। हरदास ठाकुर जब कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे जब कर रहे हैं। जब करते करते सुबह हरिदास ठाकुर के माता, आपका कोई काम था, क्षमा करो मैंने तुम्हें देख नहीं पाया, हमें तुम्हारे देखते पा रहे, क्षमा करो। दूसरे ओ स्त्री जो थी बड़े खराब नजरों से हरिदास को देखे, दूसरे दिन रात को फिर आज भी रात भर महाराज हरिनाम जप कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे, सभी का हुआ मां दे क्षमा करो, आमी आपने देखो देखते पाए, कुछ काम छिला है, कुछ काम था, बंगाली में बोल रहे थे। तो वो वैसे जो थी आज भी देखी हरिदास ठाकुर को, लेकिन जो गंदी निगाह से कल देखा था ना, आज वो गंदी निगाह नहीं था उनके लिए, आज वो निगाह चेंज हो गया था, उनका जो देखने का तरीका वो बदल चुका। तीसरे दिन आएगा सज धज के
सुंदर कपड़े पहन के आभूषण पहन के आए, परफ्यूम लगा के आए, आके हरिदास ठाकुर को देखा, हरिदास ठाकुर जप कर रहे, जप कर रहे। सवेरा हुआ, महाराज खड़े हो गए अपने पैर से और ये वेश्या उनके चरणों में सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे। महाराज मैं आपके इस तप को भंग करने के लिए आया था, क्षमा कीजिए मुझे इस तप। महाराज इस पापी का उद्धार कैसे होगा, किने किस प्रकार से इसका उद्धार होगा? बोले उद्धार तो तुम्हारा हो गया जब तुमने प्रायश्चित कर दिया, अब महाराज अब हरिनाम का जप करो। बोले तुम इस कुटिया में रहो, मैं कुटिया छोड़ के जा रहा हूं, तुम यही बैठ के जप करो। महाराज जा रहे हैं तो उसने उस देवी ने पूछ दिया, अब उस वैश्या नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें प्रायश्चित कर लिया था हरिनाम श्रवण करके, हरिदास के ठाकुर के मुख से नाम श्रवण करके उनका हृदय का जो पाप था वो निकल चुका था। उस देवी ने कहा महाराज नाम जप करने की क्या विधि है, क्या जप करने का विधि है, जप कैसे करें? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कोनो विधि अच्छी, कोई विधि नहीं, कैसे भी स्थिति में कैसे भी परिस्थिति में आप जप कर लो, ना टांग ऊपर करनी है ना माथा नीचे, ना बाया वाला हाथ को दाएं, दाएं वाला हाथ को बाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कपड़े पहनने हैं अच्छे वाले पुराने वाले जो पहनो, ट्रेन में हो गाड़ी में हो कहीं जा रहे हो चलते बुलते जप जाओ, मेरे नाम से जप कर लो, कोई नियम नहीं है। इसलिए समस्त माता बहनों और प्रभु जी लोगों से आग्रह कृपया हरिनाम जप कीजिए, माला मिल रहा है और इसका जप करने का क्या नियम है, ये देखिए ये माला है, ये हमारा तुलसी माला है, आपको वहाँ पे बेल या नीम का माला दी जाएगी, आप तुलसी माला नहीं दे ले सकते और हम आपको दे भी नहीं सकते, तुलसी माला के बहुत रोल्स हैं। तो बस हमें क्या करना है, सिंपली इस मोती को पकड़ना, देखिए इसमें 108 मोतियां हैं, बिट्स, इसको 100 मोतियां बोलते हैं ना, मन के 108 मन के हैं और ये सुमेरु है ये ऊपर वाला, तो हमें इसको पकड़ना है और कहना है क्या, बोले मेरे से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अभी क्या करना है, ये बोल दी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करते 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 हम यहाँ पहुंच जाएंगे, 108 मोती ये हो गया हमारे। अभी क्या करना है, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसे करके इधर नहीं जाएंगे, ऐसे इसको मोड़ देंगे, क्रॉस नहीं कर रहे, ओके क्रॉस करके फिर अपने तरफ खींचेंगे हरे कृष्णा, यहाँ फिर से क्षमा कीजिए, यहाँ पुनः बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे करते करते एटलीस्ट कम से कम हमें 4 राउंड्स तो कर लें इसमें, आपको भगवान ने 24 घंटा दिया है, आप भगवान को 24 घंटे में 24 मिनट नहीं दे सकते, एक राउंड करने में 6 मिनट 7 मिनट लगता है, तो क्या हम मतलब इतने बेकार है कि हम 24 मिनट नहीं दे सकते भगवान को? अब कुछ माताएं कहेंगी प्रभु जी हम फलाने चर्च में जाते हैं और कौन से फल बाबा से हमने दीक्षा लिया है, कैसे जब करें हम लोग, कौन सा मतलब जो भी हो मैं नाम नहीं लूंगा, तो आप उसको करते हुए भी ये कर सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं है। अब जो चर्चे में जाते हो जाओ, जो बाबा से जो साधु साईं से लिए हो दीक्षा लो, प्रॉब्लम नहीं है, अब जप करो हरिनाम से जप करो और कुछ नहीं, आग्रह करते निवेदन करते हाथ जोड़ के दोनों हाथ जोड़ के निवेदन, क्योंकि ये जप ही जो है ना हमें इस कलयुग से बचा सकता है और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कलयुग में।
लाखों लाख हवन कर लो आप तब कर लो, जब तक वे हरिनाम संकीर्तन नहीं करोगे जब नहीं करोगे। शास्त्रों में आया है हरे रणाम हरे रणाम हरे रणाम के उड़म कले नाश्ते 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 ये हरि का नाम ही जो है ना इस कली के कलंक को नाश करने वाला है और दूसरा कोई नहीं। कितना भी उपाय करो अब कहोगे प्रभु जी कहां से आया ये कहां से लिए आप बताइए। ये बृहद नारदीय पुराण में वर्णन है हरे रणाम हरेरणाम केवलम कलेव नाश्ते 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 दूसरा इति षोडशकम नामनम कली कर्मस नाशनम नातः कर्तुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस कलमस इस कली के कलमस को नाश करने के लिए 16 अक्षर का जो मंत्र है वही सहायता करेगा और 16 अक्षर वाला कौन सा मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो समस्त कृपा करके जब कीजिए जब में बड़ा पावर है इसकी महिमा आपको लेकिन मुझे कुछ महिमा बताइए। इसकी महिमा ने मैं नहीं बताऊंगा आपको जब की महिमा मैं नहीं बताऊंगा आप पूछेंगे क्यों ये जब की महिमा जो है फील करने वाली चीज है। जब आप जब करेंगे माता जी कोई प्रश्न है कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आपस में डिस्कस नहीं करना थोड़ी देर फिर कर सकते मैं कहा था जब की महिमा इसकी महिमा मैं नहीं बताऊंगा कि जब करोगे तो पैसे आ जाएंगे गाड़ी आ जाएंगे बंगला आ जाएगा मैं नहीं करूंगा ये आपको खुद फील करना है और मुझे बताना है कि कोई चेंजिंग आया आपने। प्रभु जी के पास मेरा नंबर आप मुझे कॉल करो अब प्रभु जी मैंने इतना राउंड्स कर रहा हूँ मेरे अंदर ये चेंजिंग है आपको खुद पता चलेगा ये बताऊंगा नहीं मैं आप एक राउंड से शुरू कर सकते हो एक राउंड नहीं करना चाहिए कम से कम चार राउंड करो 24 मिनट तो निकल ही सकता है तो चार राउंड करो और उसके बाद जो फीलिंग आती है इसकी महिमा मुझे बताओ। और आज की कथा को मैं यही विराम दूंगा समय नहीं है यदि अगले साल पुनः आया तो भगवान श्री रामचंद्र की वनगमन की कथा भरत मिलाप केवट प्रसंग इत्यादि का श्रवण करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा धर्मपुरा के समस्त धर्मवासियों को जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की इतने सुंदर तरीके से यहाँ पर आए और थोड़ी बहुत आवाज करते थे बहुत देर लेकिन फिर भी अच्छा था अच्छे तरह से आप श्रवण कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस भगवत कथा के आयोजक कमेटी हमारे प्रिय मामा जी मनमोहन मामा जी धर्मेंद्र प्रभु उपेंद्र प्रभु इस ग्रेस रामश्याम प्रभु जो बड़े मेहनत से बहुत ही मेहनत कर रहे थे। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ प्रभु जी लोग बहुत ही व्यस्त थे इतने व्यस्त रहते हुए भी समस्त चीज़ों का इन लोगों ने ध्यान रखा इतने सुंदर तरीके से व्यवस्था सजावट ऊपर से हमारे लिए खाना पीना प्रसाद सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अरेंज किया। मैं इन सबका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ और मैं आग्रह करूँगा धर्मपुरा के नौजवानों से यूथ आ गए चिंटू जी चिंटू प्रभु देव प्रभु इन सबों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस कथा में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए बढ़ चढ़ कर धर्मेंद्र जी उपेंद्र जी मामा जी को पीछे करिए और खुद आगे आ गया। यूथ बहुत मतलब मैटर करता है बहुत ही मैटर करता है यूथ होना चाहिए। ये कब तक करेंगे अब तो इनकी बहुत एज हो गई यूथ को सपोर्ट करना चाहिए। यूथ में थोड़ा कमी था यहाँ मैंने कहा बहुत कम यूथ लोग आते थे सब कुछ तो मुझे लोग करते थे ड्राम लाना है तो लाएंगे चौकी लाना है तो लाएंगे टेबल लाना है तो लाएंगे फिर हमारे बेटे किस दिन काम आएंगे भाई। यूथ को आगे आना चाहिए
बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैंने आया तो मैं देखना चाहूंगा समस्त यूथ लोग जो यहाँ पे यंग यंग लड़के हैं वो सारे इसमें भाग ले सकते। और आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि यहाँ पे मनमोहन ठोसी के द्वारा एक सेंटर शुरू किया जा रहा है। कल से ही आरती होगी ना, डेली मंगला आरती में आप सब आ रहे थे, कैसा लग रहा था आप सबों को? अच्छा था? आवाज आना चाहिए, अच्छा था? तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कल से वो मंगला आरती डेली होगी। हरे बोल, बड़े सौभाग्य की बात है कि कल से वो मंगला आरती डेली होगी, तुलसी आरती नरसिंह आरती डेली होगी। अब सब लोग आए, कितने लोग आएंगे थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। मामा जी के घर पे होगा ना, यहाँ पे कोई रूम अरेंज करेंगे वहां पे, कितने लोग आएंगे? तो इतने लोग मतलब मॉर्निंग में बहुत कम लोग थे फिर भी हाथ ज्यादा उठा था, अभी तो इतने लोग हैं फिर भी कम उठ रहा है। चलिए ठीक है, जितने लोग आए आइए, आरती में आना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं जे आवे मंगला वो कभी नहीं आवे कंगला, जो मंगला में आता है वो कभी कंगाल नहीं आता। इसलिए मंगला आरती में आइए, आरती कीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। और भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है श्रवण। श्रवण आपने किया 7 दिनों से, 9 सालों से करते आ रहे हो, अब करना है कीर्तन जप। इस माला में जप करो, ठीक है? और किन्हीं का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित या नहीं कोई, तो आप आज में 4-5 बजे तक प्रश्न कर सकते हैं, बिंदास रूम पे आकर, या फिर यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा आपको आंसर देने के लिए। तो आज कथा को विराम देंगे इस श्री राम कथा को आज सुनेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री रघुपाद की जय। अनजाने में यदि मैं कुछ माताओं का प्रभु जी को कुछ गलत कह दिया हूँ तो मुझे अपना पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रूपानंद दास प्रभु जी का। वैसे तो प्रभु जी कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे का क्लास बोलते हैं तब जाकर इनको संतुष्टि होती है। मीटिंग जब रखा गया था इस कथा का आयोजन के लिए, मैं भी था उसमें आया हुआ भगवान से, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2 वक्ता होना चाहिए, एक राम कथा एक भागवत कथा। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि केवल राम कथा ही हो, प्रभु जी 3 घंटा कम से कम बोले, लेकिन श्रोताओं की इच्छा थी कि नहीं 2 वक्ता होना चाहिए। लेकिन मुझे भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यकर्ताओं से धर्मपुरा के कि आने वाले वर्षों में जब भी रूपानुग प्रभु जी की कथा हो तो इनको कम से कम ड्रामे के माध्यम से सीखेंगे कि भगवान कितने बड़े भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हरे बोल। हरे बोल श्याम गोपाल प्रभु। Yeah.
कुर्जी नहीं खाना है मस्त बैठ के कुछ पढ़ा था नहीं सूती तो कहाँ सूती बुझाते नहीं के
कोनो ना कोनो उपाय तो लगा वही के पड़े। आइया बाबू आइया माई आइया दादा आइया बाबू ई तो हमारे के बड़े का मूर्ख बना दे असली भैया बा। अरे हो रे भैया बा ई तो हमारे का बहुत मूर्ख बन गया। बड़का मूर्ख बना दे बड़का ई मूर्ख बना दे सुनो जा फिर ये बेच दे लसी ना तो तोने जाने जाले चनाक बड़ा जा ना। अरे मर दे अरे दोनों है जाओ सब चल बोल दो। अरे सुतर की है नहीं पे कपार दबाओ है ना आप घंटी नहीं खेल लगल का रे जा है तुम लोग को लीला। ये तो मैं पत्थर बन गिलो सन हमरे औते। अरे तो जान रही है लोग हड्डी तोड़ी ना हम ऐसा में का मास्टर नहीं ई का करता ले रे आज योगा करता नहीं गुरुजी। वाह रे तोहर योगा सीधा बैठ तो गर्दनिया काट दे सीधा बैठ। कुर्सी लिया बा हमारी यहाँ कुर्सी लिया बा इधर लगा बा गुरुजी ई लगा गुरुजी आई हाय हाय आई है गुरुजी गर्दनिया भाई हाय हम सबन का नाम सुन ले बनी चिन्ह तनी तोरा के अच्छा से चिन्ह तनी काल का दास दिले बनी तुहनी के बनावे के बना के लिया सब बने ले वाला सन गुरुजी पहले हाजुरिया भर दी गुरुजी। हां ई बात तो ठीक कहत ले हाजुरिया छोड़े दे मालूम ना का एक बजे तक अच्छे हाजुरी लोग बोली हां दारा पासवान आई बने गुरुजी। अच्छा ठीक बात बदारा जी सन मत चिल्ला आराम से बोल सुनिए। अच्छा पिलुआ पारे आई नहीं गुरुजी वाइट वाइट नेता जैसा खड़ा मत हो। चमरा डिसलवा आई बने गुरुजी। हाँ यह बहुत भोला भाला लड़का है मैं स्कूल के बच्चन में यह भोला भाला हेकर का नाम है तब नमः गणेशु पासवान। यस सर गुरुजी। हाँ ये पढ़ल लिखल लिखा है अंग्रेजी जाने ला बैठ महिषासुर गुप्ता आयल बनी गुरुजी बैठ बैठ। घोड़ा तिवारी ना बैठ बैठ। अच्छा मुझे कुछ काम होगा तो कहिएगा बैठ बैठ। महिषासुर खड़ा उठा बच्चवा। हाँ गुरुजी बोली। देखो ये संसार में बहुत कुछ हो रहल बा और बहुत कुछ होई और बहुत कुछ हो गई बा। एक चीज समझे के बाद बा तोहरा के
जवन हम काम दे तानी तोहन लोगन के वो काम बढ़िया से हो जाए के चाहिए। एकदम हो जाए गुरुजी। काल जवन तास दे रही वो बना के लिया ही बना। अच्छा वो जोड़वा दे रही तोहन का? ना ना उसे पहले जवन दे रही तास बना के लिया ही बना। अच्छा हाँ लाई बनी गुरुजी। लिया ही बना। बनाई ले बना। हाँ बनाई ले बाबा। हाँ तो ले बाबा। कहले रही सुनावे के ना। सुनावे के ना। अच्छा गुरुजी पैसा बनावे वाला कहता नहीं। बैग बुड़बा के इतना देर से हम पगलाइल बनी रे। हम वही जो देले रही याद करके तो हम ना हमारी याद कर रही हाँ। ना ना दास का बात करते नहीं हिया आवत नहीं सकलिया दिखावा पीछे काहे भागा ताला सुन तो होनी का समझ में नहीं खिलावत। हाँ दास का हम बात कराते हैं। गुरुजी लाइनें कट गई रहे तो कैसे बनाई? लाइन कट गई बाहर धर्म पूरा कर लाई। लाइनें कट गई। हाँ गुरुजी लाइन कट गई रहे। अरे प्रदे तो मोमबत्ती जला लेता भाग रे बुड़बक सलाइयो पापत हो गई रहे गाँव में। माने सलाई नहीं खे तुम्हारा घरे है। राम 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 गुरुजी सलाई रहे बाकी पूजा वाला घर में रहे ना। अरे मर्दे तहाई भगवान दुगो गोड़ दिले बाना ठीक ठाक गोड़वा बाद जाके ले लेता सलाई। नहले ना न रहे गुरुजी। बाहरे तोहार ड्रामा माने तू नहाई तो ही नहीं खा आजकल। माने नहाइले काहे नहीं रह? गुरुजी पानी ना रहे। कहा कहता है बाबू तो बोलते जाता। अभी बतावा कि मैं देश दुनिया में पानी भगवान अपराध देले बाना। मुंबई में बाढ़ केरला में बाढ़ बिहार में बाढ़ चारों तरफ बार ही बार धर्म पूरे में सुखार हो गिल। मर्दे का तू लीला करता समझ में नहीं क्या होता। गुरुजी मोटावा चालू ना न रहे। मोटर चालू नहीं रहे ना। अब माने मोटर में ईजा के बीमारी कौन हो गई बाबू? अरे हम कहते नहीं कि लाइन ना रहे। अच्छा हाँ ठीक कहते बाबू बैठा इतना गुशिया मत बैठा। आजकल के मास्टर के हाथ जोड़े के पड़े लाइकन से डॉन वाला सन आजकल के लिए। आ जहां मरला तो माई बाबू लाठी डंडा तोप बंदूक गोला बारूद सब लेके आ जाए। अच्छा ठीक बा भाई कहां गेल रही आवा? काल जवन तोहरा के सवलिया दिले रही बनावे के मैथवा का जोड़ वो बना के लियाइल बला। हां गुरुजी लाइल भाई बना के। हम जानत तानी कि तू एक गांव का बहुत समझदार लड़का हो। हां ई त गुरुजी हम फायदे करे हां बिल्कुल। त बबुआ बचवा हमार सोना सुना द। सुना दी गुरुजी ना। हां सुनाओ। दू में से दू जोड़नी चार चार में से छह घटेनी आठ आठ में से नौ जोड़नी छह छह में से पैंतालीस के भागा देनी डिवाइड करनी तो नौ बचो। नौ में से छह के जोड़नी तो आठ बचो। आठ में से नौ जोड़नी तो छह बचो। छह में से डिवाइड करनी तो पांच घटा के बत्तीस जोड़ के आठ घटा दे। हमारा तो आंधी आ गई हो। हम नहीं जानने के धर्म पूरा कर लेगा है इतना तेज बालो सब। बाबू बचवा ही आवा ई मर्दे इस सवाल तू कहाँ से सीख लो हो? इस सवाल ये गुरुजी। हाँ हाँ बताई। हाँ बता दो तनी। नानी के चाची के मौसा के फुआ के काकी के आजी के घर से जाके फुआ के नानी के चाचा के भतीजे के आजी के मौसी के काकी के दान। गुरुजी के आराम से बचे सब चुप चुप
ए बाबू माने हमारे गलती बा। ए बाबू हम कहाँ बानी हो। ए बाबू हमार कुशिया की हलवा आधर हो गई बुझाता। ए बाबू जी बैठी बैठा बाबू बैठा है। अरे मर्दे बड़ा तेज बाल सने काम कर लिखा है बाबू। ओ बैठा अब तुहार से क्वेश्चन कौनो नहीं जन्म जन्म तक हम नहीं पूछा। एक साल तक बंद हो गई तुहार क्वेश्चन बाहरे। एगो लड़का बड़ा दिन से अब्सेंट चलता हो। नाना भिखारी आ। नाना ओकरा भिखारी मत कह लो ओकर बाबूजी ना ना ओकर नाम ना काटब हम। देख ओकर बाबूजी बेचारे बड़ा सोच समझ के नाम रखले वाला। का नाम ओकर हो। वाह देख कितना सुंदर नाम बा ओकर बाबूजी नाम रखले बाना गोविंद। ई पता कर लो गोविंदवा स्कूल काहे नहीं खेलावे। आखिर में ओकरा घर पे समस्या का और वो एक साल से फीस जमा नहीं चुकई। रास्ता में तुम लोग से भेटाई रहे। रास्ता में भेटाई रहे वो। अरे मध्य गोविंद ही आवा का तुहार दशा हो गई बाबू। ना ना हंसा जी हंसा जी हंसा जमत। इतना दिन से तू कहाँ रह। आय हाय हाय हे ही उमरी में यदि बाप मर जाए तो बड़ा कष्ट होला महाराज। अब बताओ लेकिन पैसा तो हम लेबे कर हम वही में का मास्टर है। दयालु हमरा के मत समझियो। आज कपड़ा तोहरा के चेंज करवावे के पड़ी। बढ़िया कपड़ा पहन के आवे के पड़ी। चल बैठा पीछे जा। ज्यादा दयालु हम बनब तो मैं चौपट हो जाए स्कूली। ए होश में रह दारा गुप्ता। होश में रह तो मारे लगब लाते लाते। होश में रह चुप रह लो। हम काल सरस्वती पूजा आए वाला बा। हाँ हाँ इत बात ठीक कहता ला। हाँ घोड़ा तिवारी तू खड़ा हो जाता। देख बाबू बचवा ई हमरा के एगो सवाल बता दा। हम बड़ा जैती चिड़िया वाला ना सवाल या कहले रही। हाँ हाँ ठीक कहला याद आ गया। हमरे को पूछ दे ई बताओ कि संसार में सबसे तेज उड़े वाला पक्षी कौन हिया। याद कैले बाबू खाता हाथी गुरुजी। ये मर्दी बैठ बैठ हाथी कौना पक्षी का नाम हरे। बुड़बक बना बताल सर। अच्छा ठीक भाई जौन कैलस तौन कैलस तू खड़ा होकर पिलवा पड़े खड़ा होकर बबुआ। हाँ हमरा के एगो साइंटिस्ट का नाम बता दे बचवा। एलियन मार। आलिया भट्ट। ई कौन साइंटिस्ट का नाम हरे। काट देव गोड़वा तोहार। ना गुरुजी कहत आई आर्य भट्ट।
अच्छा जन्मजात पुतला बोल बैठ बैठ चल बैठ पिलुआ कहीं चल बैठ। अच्छा सुना लो, काल सरस्वती पूजा बा, हम चाहतनी कि माता सरस्वती का भव्य अभिषेक कइल जाओ, का विचार बा तोहर लोग? चाहते बनी जा तो हमरा के दूध ना चाहिए हो, अभिषेक करे खातिर दूध चाहिए, वो भी थोड़ा ज्यादा सबरार रही तब ना अभिषेक कर जाई। तो अच्छा ही बतावा कि एकरा में से दूध के लेके आई? अरे तोर भैंस लगे लगे, अरे भैंस लगे लगे। अच्छा ठीक है, हल्ला जीत करा, हम ये पूछत नहीं कि एकरा में से दूध के लिए आई, हाथ खाली करा करा। गोविंद ही आवा, ही आवा बच्चवा, ही आवा देखा हवले लगा, तब्बे लोगन के सुनाई देने तक खेले खत्म हो जाए। ये बतावा कि हाथ उठैला हा, दूध ले आई बा? हाँ गुरुजी, हम ले दूध। अरे मर्दे, एक साल का फीस नहीं खा दे ले आ, दूध कहाँ से ले आई बा हो? भैया गोपाल बरन उसे दीवान हमरे की दूध। भैया गोपाल, ये कवन तोर भैया आगे ना रे? तार भैया गोपाल दूध दे दी? हाँ हाँ। अकाल लिया ना ली ना तब? ये आदम तब। अच्छा ठीक बात, तो लोग जा जा छुट्टी हो गई, काले ही टाइम आ जी हाँ, और अपना अपना घरे से जौन सामान होके व्यवस्था कर लेके आइया, तू दूध लेके आइया जा। अब लड़का तो लड़के होल सन, का कर जा, चल अब हम चल का लावल जाए, चल राधे राधे। Thank you.
हमारा कसकुलिया तक छोड़ दो भैया भैया गुरु जी आज मेरा दूध मंगल है भैया स्कूल के फीस भी भैया अभी तक लेकर आई नहीं दूध सोच में नहीं लेके आई का हो और ले आते ना गुरुजी दूध दूध लेके आ गिला बाह रे बाबू बा बहुत अच्छा काम कइला हां गुरुजी दूध ले आ देनी के देला सर तोहरा के हो हमार गोपाल भैया देलो रे दूध गोपाल भैया बार बार नाम लेता है कौन एकर भैया हमारे हम ये भले ही जानता नहीं कि एकर बाबूजी बहुत बड़ा भक्त रह वैष्णव रह डेली 1,00,000 जप करत रह भगवान आई भक्त लड़का हम ये जानता नहीं लेकिन गोपाल नाम तो कभी नहीं की सुन ले एक साल के जो फीस रहे वो जो 5 साल के एडवांस दे दे बनी गुरु जी एडवांस एडवांस तो दे लो ये तू दूध हो दे दे हलो और 1 साल का जितना पैसा बाकी रहे सब दे दे हलो और आवे वाला 5 साल तक पैसा बाप रे बाप की कौन भैया तोहर बाए बाबू ई हम जानत तानी कि तोहरा घर में गरीबी रहे तोहर बाबूजी खाली दिन भर भगवान के भजन में लीन रहत रहे यही से तोहरा माथे पर तिलक हमेशा तोहरा माथा पर तिलक लगल बाटे बा हिया वा आई लव दूध अंदर बर्तन में ढार के ले आओ इनकर बर्तन दे दो ठीक बा गुरुजी जा बड़ा आश्चर्य होता हमरा ये सब देखकर लेकिन हो सकेला कौनो महान व्यक्ति कृपा कर देले होके माने के 5 साल तक पैसा और 1 साल का एडवांस बार बार आहे गुरुजी गुरुजी आई हो दादा आई हो दादा बाप रे बाप आई हो दादा आई गुरुजी का कोई आई हो दादा अरे रुक रुक आई हो दादा अरे मर्दे बतियो बतइबो कि बाबूए माई करबो गुरुजी ओकरा में के दूधा ढारत नहीं ना ओरा के नहीं छो में से सारा बर्तन भर देनी अब कोनो बर्तन खाली नहीं के रह गई अब बुझाते नहीं कि हम दूधा कहां रखी ओमे से ओरा ते नहीं के गुरुजी का
कहले सही कहले हां सही कह दे गुरुजी री मर्दी का चीज लेलो आज गोविंद बारे के जन गुरुजी ये जादू टोना तो नहीं खेले कहले पता ना गुरुजी हम तो नहीं की जानत बड़ा तोहनी को गोविंद बा का मजाक उड़ावत रहस कि भिखारी है पैसा नहीं खेदेले अब देखा है कि का होखे लागल खतमे नहीं खो तू धवा ए गोविंद हिया बा बचवा हिया बा का हो गुरुजी ए बाबू बताओ ई सही सही बताओ हमरा के ई के देले ह तोहरा के दूध और पैसा ई हमरा के गोपाल के देलो ह दूध पैसा अच्छे हम तोहरा गोपाल भैया से मिल सकी ना का हां मिलवा देबो हां हम अबे मिलन चाहते हां चले तुम लोग मिलबो हो चलो तब चलो गोपाल भैया से मिलवा ते हे जंगल में लिया आइलो हो का करबो हमनी के देखो नहीं बा काए हरे आई घनघोर जंगल में लेके आ गइल गुरुजी हमार गोपाल भैया ए हिरल होलन ए मदे तोहार गोपाल भैया आदि मानो ह का हो डर ना डर मत डर मत हमहु शेर है चिंता नहीं कर गोविंद भैया आवा देखा बचवा मजाक मत कर मिलवाओ अपने गोपाल भैया से जल्दी से डर तब लो ना गुरुजी ना ना डर जी हम गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया हां मेरे भाई मैं आ गया गोपाल भैया ये लोग तो हमरा से मिलन चाहत हन जा गोपाल भैया अरे ये कहां से आवाज आता ए बाबू आवाज सुनत ल लो ए गोविंद कहां गइल हो यहां पर गुरुजी मदे तोहार कहां तोहार भैया बा हमार भैया हे बा गुरुजी हे बा गुरुजी मदे हमनी के दिखाइए नहीं खेले तोहरा दिखाई देता तोहरा दिखाई देता का हां गुरुजी हमार भैया सामने खड़ा बड़न केहर हो ए गोविंद भैया बा देखा बचवा बचवा देखा मजाक जिन कर सही सही बतावा तोहार भैया एकदम उपस्थित बा का हां गुरुजी तो हमरा के कहे नहीं के दिखाई दे गुरुजी हमार जे भैया के सच्चा मन से याद करेला ओकरे के दिखाई देबे ल सच्चा मन से अब कौन मन से हम याद करें देखा हमरो के दिलवा बा एक बार दर्शन दिलवा दो भैया तू अगर नहीं काहे नहीं खुद दर्शन दे देता भैया जो मुझे सच्चा देते पुकारता है उसे मैं दिखता हूं ये आवाज तो हमको सुनाई दे रहा हे गोपाल गोपाल हां हे गोपाल आप जो भी हैं हमें दर्शन दीजिए हे गोपाल ये बिजली का है तड़पे लागल हे गोपाल गरीब मुखंदा हे गोपाल कुछ आवाज सुनाई दे रहा है अरे
जय हो, जय हो, जय हो। ये तो साक्षात हमारे प्रभु ब्रज नंदन है। अरे मृदे गोविंद, अब हमारा समझ में आई हो कि तुहार भैया के बामदे। तुहार यदि हैसन भैया रही तो करा जीवन में कवन चीज का कमी हुई हो। वाह रे प्रभु वाह, आज हम समझ गई नी कि जे तुहार भजन करी भले ही वो संसार में रही चाहे ना रही, लेकिन तू ओकरा परिवार का भरण पोषण करेला प्रभु, हम जान गए। वाह रे लीला तुहार बा। एकर बाबूजी गुजर गए लेकिन देखा लोग गीता में साफ साफ कहल गई बा, भगवान बहुत दयालु है, करुणा के सागर है, भक्त वत्सल है। आज भगवान साबित कर दिए, इसके पिताजी भक्त थे, बहुत महान संत थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। सारा जिम्मेवारी गोपाल अपने सर पर ले लिए और इस बच्चा का पैसा जो मांग है सब पूरा कर दिए। बाहरे गोपाल बोले श्याम सुंदर बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। वाह, जय जयकार हो प्रभु आपका, जय जयकार हो, जय हो, जय हो प्रभु। हरे कृष्णा।